सरकार के वादे से आप सहमत हो, उनकी बातों से सहमत हो? क्या सचमुच में आपको साफ सुथरा शुद्ध पानी मिलता है? आपको पानी देख करके चिंता होती है कि नहीं होती है? बीमारी का डर लगता है कि नहीं लगता है? ये आपको भी झूठ कह रहे हैं, आपको भी झूठा बता रहे हैं। आप बताइए दिल्लीवासी, क्या आप झूठे हैं? क्या आप बेईमान हैं? कैसे आरोप देश के नागरिकों पर लगा रहे हैं? दिल्ली के लोगों से जो कुछ भी बोला गया है उसकी सच्चाई दिल्ली के लोग हर रोज देख रहे हैं। साथियों, सच्चाई यह है कि आज दिल्ली में देश भर में सबसे अधिक वाटर प्यूरीफायर यानी कि पानी को शुद्ध करने वाली मशीनें रोजाना बिकती हैं। लोग ये खर्चा क्यों करने पड़ रहे हैं भैया? जो वाटर प्यूरीफायर नहीं लगा सकता वो 40-50 रुपए की बोतल खरीदता है, या फिर उसे मजबूरी में प्रदूषित पानी से काम चलाना पड़ता है। अधिकांश जगहों पर नल से या तो पानी आता ही नहीं है, और जो पानी आता भी है उस पर लोगों को विश्वास नहीं है। और ये लोग कहते हैं दिल्ली में पानी की गंदगी कोई दिक्कत ही नहीं है। भाइयों और बहनों, ये लोग किस तरह अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए किस हद तक जा रहे हैं, ये आपने पिछले हफ्ते भी देखा है। जो बयान दिए गए, जिस तरह लोगों को भड़काया गया, उकसाने वाली बातें कही गई, झूठे वीडियो उच्च स्तर पर बैठे हुए लोगों ने सोशल मीडिया में डाल करके भ्रम फैलाने का, आग फैलाने का गुनाहित कृत्य किया है। साथियों, अभी हाल में जो संसद का सत्र समाप्त हुआ उसमें दिल्ली की कॉलोनियों से जुड़े बिल को तो हमने पारित किया, आपको अधिकार देने का निर्णय किया, उसके साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण बिल पास हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। भारत की संसद ने, लोकसभा और राज्यसभा ने आपके उज्जवल भविष्य के लिए, दलित पीड़ित शोषितों के भविष्य के लिए, लोकसभा राज्यसभा ने, सभी सांसदों ने इस बिल को पास करने में मदद की है। आप खड़े होकर देश की संसद का सम्मान कीजिए, देश की पार्लियामेंट का सम्मान कीजिए, देश की लोकसभा का सम्मान कीजिए, देश की राज्यसभा का सम्मान कीजिए। देश की जनता ने चुने हुए हमारे सांसदों का सम्मान कीजिए, पूरी ताकत से सम्मान कीजिए। दोस्तों,
भी आपके साथ जुड़ करके देश के दोनों सर्वोच्च सदन, लोकतंत्र के मंदिर, वहां बैठे हुए जनप्रतिनिधि, मैं आपके साथ मैं भी उनको प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन भाइयों, इस बिल के पास होने के बाद कुछ राजनीतिक दल तरह तरह की अफवाहें फैलाने में लगे हैं। वे लोग भ्रमित कर रहे हैं, भावनाओं को भड़का रहे हैं।